अगर अभी इस समय कोई भी होटल मैनेजमेंट कर रहा है और वो शेफ बनना चाहता है तो वो चाहेगा संजीव कपूर बनना या फिर विकास खन्ना बनना। और जब हमने मैंने खुद अपने कैरियर की स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं मालूम था संजीव कपूर कौन है क्या है, पर कुछ समय बाद जब कुछ थोड़ा समय हमने इस इंडस्ट्री में बिता लिया तो मुझे लगा कि मुझे भी एक संजीव कपूर शेफ बनना है। उस समय इतना सोशल मीडिया नहीं होता था, हम लोग सिर्फ न्यूज़पेपर के थ्रू पता लगा पाते थे कि बाकी जगह कौन शेफ़ है और क्या चल रहा है, या उसके बाद जब हमारे पास जो टीवी चैनल्स आए। पर इस समय अगर कोई भी होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेता है और उसका किचन में कुछ काम करने का जज्बा है तो संजीव कपूर, रणवीर बरारिया, विकास खन्ना बनना चाहेगा। पर एक्चुअली में अगर हम लोग देखें, मैं आपको एक फिगर्स भी दिखाऊंगा, ये मैंने फोर्ब्स मैगज़ीन की जो नेट पे जो जानकारी अवेलेबल है उसके अनुसार लिए हैं। मुझे नहीं मालूम फिगर है, गलत है सही है, पर मैंने वहाँ से फिगर उठाए हैं ताकि आपको मैं यहाँ पे कुछ समझा पाऊँ। 2019 के ये फिगर हैं। 2019 में संजीव कपूर ने 24.8 करोड़ रुपये उनकी नेटवर्थ है। इसके बाद ये जो दूसरी फ़ोटो आएगी वो है विकास खन्ना की, जो 2019 में उनकी नेटवर्थ है 3.75 करोड़ रुपीज़। तो उन्होंने इतने पैसे कमाए हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आपको इससे पहले जानकारी थी, या मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं होगी मुझे मालूम है, तो क्या आपने इन पैसों को देख के उनके तरह बनने की सोची? तो आपका यहाँ पे आंसर होगा नहीं, आपने ये सारी चीज़ें देखी नहीं, पर आपने उनके तरह बनने का इसलिए सोचा कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी इस फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अपने देश का नाम कमा रहे हैं और अपना खुद का भी यहाँ पे नाम कमा रहे हैं। दूसरा, इवन संजीव कपूर को तो पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है दिल्ली आपकी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, भारत सरकार के थ्रू, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, हमें ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। तीसरा, आपको ये वीडियो को दिखाने का मतलब, इनकी इनकम बताने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप में से जो भी कोई संजीव कपूर बनना चाहता है, जो भी कोई विकास करना चाहता है, बनना चाहता है, या कोई मेरी तरह भी बनना चाहता है, तो आपको ऐसा क्या सोचना पड़ेगा या ऐसा क्या करना पड़ेगा। ये जो भी मैंने आपको फिगर्स दिखाए ये वही सारे लोग हैं जो एक समय पर जॉब कर रहे थे। पर आप देखेंगे कि अगर आपके मन में सपना इनकी तरह बनने का है और आप वहाँ पे जो प्लानिंग करके बैठे हो कि मैं कहीं पे एक एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाऊँगा, तो जब तक आप इतने पैसे नहीं कमा लेते या इसके करीब नहीं आ जाते तो आप उनके तरह कभी भी नहीं बन पाओगे। नॉर्मली जनरली एक एग्जीक्यूटिव शेफ अगर देखे तो 2 या 3 लाख रुपये महीने के कमा लेगा। 3 लाख रुपये कमाएगा तो महीने के, एक साल के 30, आपके 36 लाख रुपये कुछ हो जाते हैं एक साल के अंदर। वहीं वो 36 लाख रुपए तब कमाएगा जब वो एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाएगा या किसी अच्छे एक ब्रांड में होगा, उससे पहले वो इतने पैसे ही नहीं कमा पाएगा। तो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें ये सारी चीज़ें हासिल हो पाए और रियली में हम लोग अगर संजीव कपूर बनना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के शेफ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे यही समझूंगा, बताऊँगा मैं आपको, आप लोग यूनिक हो, आप लोग अलग हो, आप लोग संजीव कपूर नहीं बन सकते, पर आपके अंदर जो खासियत है, जो खूबी है, आपको उसको ही निखारना है। जब आप वो चीज़ें निखारोगे, और सबसे बड़ी बात, आपके पास जो भी एजुकेशन है, अभी हम संजीव कपूर, रणवीर बरारी उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कि अपनी नॉलेज को लोगों के सामने लाया। कई सारे ऐसे भी शेफ लोग हैं, हो सकता है जो कि इनसे भी ज़्यादा अच्छे हों। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, संजीव कपूर की आज तक मैंने एक भी रेसिपी अप्लाई नहीं करी है, और आप में से 90% लोग वो भी होंगे जिन्होंने अप्लाई नहीं की होगी, क्योंकि हमें प्रोफेशनल्स हम हैं, हमें मालूम है कि वो रेसिपी एक्चुअली में घर में ही काम कर सकती है, क्योंकि कॉमर्शियल रेसिपीज़ वो लोग बताते ही नहीं हैं। और वहीं अगर आप लोग सोच रहे हो कि उनकी तरह बनना है, तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। आपको अपने माइंडसेट के अंदर ये सारी चीज़ें लानी होगी कि आपको उनकी तरह बनना है तो आपको उनकी तरह ही करना होगा, उनके नक्शे कदमों पर ही चलना होगा। आपको जॉब भी करनी होगी, पर लास्ट में आपको देखेंगे, आपको खुद का अपना एक ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप अपना खुद का एक ब्रांड क्रिएट कर देते हो तो आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है पैसा कमाने की।
अभी इनमें से जो भी लोग हैं इन्होंने अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, इससे पहले ये भी कहीं ना कहीं के एग्जीक्यूटिव शेफ थे हमारे, जैसे कि संजीव कपूर के अगर आप बायोग्राफी देखोगे वो, और सेंटूर होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ थे, विकास खन्ना के खुद के अपने छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे पंजाब में, वो आप उनकी पूरी स्टोरी और कहानियाँ सुन सकते हो, उनके जवानी या कहीं से भी आपको मिल जाएंगी। पर लास्ट में घूम फिर के जब इन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर ली, और ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट हुई उनके एक्सपीरियंस के द्वारा, और सबसे बड़ी उनके एजुकेशन के द्वारा, जो भी उनको आता था उन्होंने लोगों को बताना शुरू करा, लोगों ने समझना शुरू करा, और जब भी लोगों को किसी चीज़ से फ़ायदा होता है और उनको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनके दिल को छू जाती हैं, वो लोग फिज़िकली और मेंटली उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो लोग फिर उनको कोई पैसा देने में भी मना नहीं करता है। अब जितने भी ये सारे शेफ़ लोग हैं, आप सब के सब देखेंगे यहाँ पे अपनी बुक सेल करते हैं, खुद के टीवी शोज चलाते हैं, खुद की कंपनीज चलाते हैं, खुद के इनके यूटेंसिल्स के अपने ब्रांड्स हैं, दूसरों की पोस्ट ये लोग डालते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, खुद की यूनिफॉर्म सेल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें ये लोग कर पाते हैं जब इन्होंने अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना शुरू किया। अगर आप भी चाहते हैं इनके तरह बनना तो आपको भी शुरू में वही करना पड़ेगा। हो सकता है कि शुरू में आपको बिना किसी लोभ के लालच के ये सारी चीज़ें करनी पड़े। मैं भी चाहता हूँ मैं भी इनकी तरह बनूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इवन मेरे पास भी अब कई सारे, इतने बड़ा तो हम लोग नहीं बन पाएंगे लेकिन मन में ख्वाब जरूर है और मैंने सपना भी देख लिया बनना है, तो मैं भी पूरी कोशिश पे लगा पड़ा हूँ, और आप लोगों का प्यार रहा तो ज़रूर बन जाएंगे कि मैं भी उसी कदमों पे चलूँ। आपने देखा होगा मैं भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे लोगों को मैं मेंटरशिप दे रहा हूँ, और वो सारी की सारी पेड मेंटरशिप होती है। अभी कुछ समय पहले एक स्टूडेंट होगा, या मुझे नहीं मालूम, उन्होंने नाम लिख के नहीं भेजा, कि उन्होंने बोला मुझे कुछ बुक्स चाहिए, तो मैंने जनरली जब भी मेरे पास आता है तो मैं उनको बुक्स के प्राइजेस भेज देता हूँ, पर उन्होंने बोला आप कैसे शेफ हो, आप तो अपनी किताबें बेच रहे हो। तो मैंने एक क्वेश्चन करा आप क्या बनना चाहते हो, उन्होंने बोला मैं संजीव कपूर बनना चाहता हूँ, तो कौन से शेफ बनना चाहते हो, तो उन्होंने बोला मैं संजीव कपूर बनना चाहता हूँ, तो मैंने भी मैसेज लिख के दिया मैं भी वही बनना चाहता हूँ और मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ वो जो कर रहे हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मैं भी अपने यहाँ पर प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। उनके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया। तो मैं यहाँ से आपको यही बताना चाहता हूँ, आप अपने नॉलेज को लोगों के पास ले जाइए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियोज़ बनाइए, आप लोग मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। मैं कई सारे अपने खुद के मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ जहाँ पर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाता हूँ। आप लोग ये सारी चीज़ें करिए, आपका खुद का एक ब्रांड डेवलप हो जाएगा, और जब आपके पास आपका ब्रांड डेवलप हो जाएगा आप कुछ भी चाहे कर सकते हैं, अपनी बुक सेल कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल तो आप चला ही रहे होंगे, उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे अपनी सेलिंग कर सकते हैं, आपके खुद की आप लोग प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं जैसे जैसे आपको होता है, आपके पास ब्रांड आपके पास आते हैं, आपके साथ लोग कोलैब्स करना चाहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप ईजिली कर सकते हैं। तो जो भी आज तक संजीव कपूर बनने का सपना देख रहा है, विकास खन्ना बनने का सपना देख रहा है, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत के साथ साथ आपको खुद का एक ब्रांड डेवलप करना पड़ेगा। इस समय अगर संजीव कपूर के पास सारी अगर हम लोग ये इनकम भी हटा लेंगे तो तब भी वो फिर से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो ब्रांड है, वो फेस है। तो आपको भी वही ब्रांड क्रिएट करना है अपना, वही फेस क्रिएट करना है, ताकि आप भी कुछ कर पाओ। आप संजीव कपूर बनने की कोशिश मत कीजिए, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद की अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा हूँ, सेम आप भी वही कीजिए, और जो आप चाहते हैं लाइफ में वैसा आप कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए एक आई ओपनर होगा, आंखें खुल गई होंगी, अगर संजीव कपूर बनना है तो कैसे बनना है। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स हो आप नीचे लिख सकते हैं। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम भी है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आप इनरोल कर सकते हैं, और अपने आप को आप समझेंगे कि आप मेरे साथ हैं, मेरे मेंटी हैं, जिसकी मैं हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता हूं। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो नीचे लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।